नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका YouTube चैनल अप्रेंटिसशिप इंडिया अड्डा में। दोस्तों, उड़ीसा सहायक प्रशिक्षण अधिकारी भर्ती 2024 का फुल नोटिफिकेशन आउट हो चुका है। दोस्तों, फाइनली आप लोग का इंतजार समाप्त हो गया है, यानी ITI असिस्टेंट ट्रेनिंग ऑफिसर की रिक्वायरमेंट आ चुकी है। दोस्तों आप लोग को ITI का टीचर बनने के लिए बेहतरीन मौका है यहाँ पर उड़ीसा गवर्नमेंट की तरफ से आ चुके हैं। दोस्तों, इसी के बारे में पूरा डिटेल वाइज इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। एलिजिबिलिटी कंडीशन, एप्लीकेशन प्रोसेस, सिलेक्शन प्रोसेस क्या क्या रखा गया। गाइस, इससे पहले अगर आप अभी तक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो देख रहे हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। दोस्तों आप लोग जानते होंगे कि ITI इंस्ट्रक्टर की भर्ती के नाम से अभी राजस्थान में टीचर की भर्ती, ITI के टीचर की भर्ती का रिक्वायरमेंट का नोटिफिकेशन आ चुका है। वहां पर फॉर्म ऑनलाइन शुरू भी हो चुका है और फाइनली अब आप लोग के उड़ीसा गवर्नमेंट की तरफ से ITI ट्रेनिंग ITI असिस्टेंट ट्रेनिंग ऑफिसर की रिक्वायरमेंट आ चुकी है। दोस्तों, यहाँ पर ITI के लिए और डिग्री डिप्लोमा कैंडिडेट के लिए यहाँ पर टीचर बनने के लिए बेहतरीन मौका है। अगर आप एलिजिबल हैं तो जरूर अप्लाई कीजिएगा। यहाँ पर 1 ईयर से लेकर 3 ईयर के एक्सपीरियंस होल्डर कैंडिडेट फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। प्लस आपके पास 10वीं प्लस ITI है और CITS कोर्स किए हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर CITS आपके ट्रेड का है तो अभी अप्लाई कर सकते हैं, अन्यथा CITS की भी कोई ज़रूरत नहीं है। 10वीं प्लस अगर आपने अप्रेंटिसशिप की है रेलवे या किसी जगह से तो आप यहां पर अप्लाई कर सकते हैं। इसमें भी अगर CITS आपके ट्रेड के लिए अनलेवल है DGT के वेबसाइट पर तो आप के लिए जरूरी है, अन्यथा आपको कोई ज़रूरी नहीं है CITS। उसके बाद 10वीं प्लस आप डिग्री डिप्लोमा है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। इसमें भी अगर आपके ट्रेड ब्रांच का ट्रेड का CITS कोर्स अनलेवल है DGT की तरफ से तभी आपको अनिवार्य है, नहीं अन्यथा यहाँ पर भी CITS की कोई ज़रूरत नहीं है। एक्सपीरियंस मस्ट है, इसको भी डिस्कस करने वाले हैं। इस टोटल वैकेंसी की बात करें तो यहाँ पर 150 पोस्ट पर निकाली गई है। आप लोग जानते होंगे 50% डिग्री डिप्लोमा के लिए होती है, 50% ITI और NSE होल्डर वाले के लिए होती है यहाँ पर। तो इसका फुल नोटिफिकेशन देखने वाले हैं। इसके लिए आपको उड़ीसा गवर्नमेंट के ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना होगा, यानी उड़ीसा स्टेट सिलेक्शन कमीशन की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर लेके चलता हूँ आपको। फाइनली ये रही उड़ीसा स्टेट सिलेक्शन कमीशन यानी OSSC गवर्नमेंट ऑफ उड़ीसा की तरफ से ये रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन पब्लिश किया गया है। आप नोटिफिकेशन वाले ऑप्शन में आएंगे तो आपको यहाँ पर एक पोस्ट सिलेक्शन करके ऑप्शन देखने को मिलेगा। आप यहां पर जैसे इसको सिलेक्ट करेंगे यहां पर आपको बहुत सारा ऑप्शन देखने को मिलेगा। आपको असिस्टेंट ट्रेनिंग ऑफिसर 2016 वाली जो नोटिफिकेशन है वो उस वाले पे क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करके आपको यहां पर 2024 सिलेक्ट कर लेना, 22 या 24 में दिया है तो आपको 22 सिलेक्ट करना, 2024 सिलेक्ट करना है। उसके बाद आपको सर्च कर देना है। जैसे आप सर्च करेंगे तो आपको यहां पर नोटिफिकेशन शो हो जाएगा। आप इस पर करके यहां से नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हैं, या तो आप यहां पर आएंगे एडवर्टाइजमेंट वाले ऑप्शन पर तो आपको यहां पर भी नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा। 15 मार्च के डेट में यहां पर देखेंगे ये नोटिफिकेशन पब्लिश किया गया है 15 मार्च वाले में। यहां पर इंडिकेटिव एडवर्टाइजमेंट ऑफ रिक्वायरमेंट टू द पोस्ट असिस्टेंट ट्रेनिंग ऑफिसर रिक्वायरमेंट यहाँ पर 2024 अंडर द डायरेक्टर ऑफ टेक्निकल एजुकेशन ट्रेनिंग उड़ीसा कटकट। यहाँ पर करेंगे PDF पर तो ये डाउनलोड हो जाएगा। यहाँ पर मैंने नोटिफिकेशन डाउनलोड कर लिया है। ये रही आपकी डिटेल नोटिफिकेशन जो यहाँ पर पब्लिश किया गया है, शॉर्ट नोटिस के रूप में यहाँ पर है। अभी इसका फुल नोटिफिकेशन जो डिटेल वाला अभी पब्लिश नहीं किया गया है। यहाँ पर देख सकते हैं उड़ीसा स्टेट सिलेक्शन कमीशन की तरफ से यूनिट 2 भुवनेश्वर से यह पब्लिश किया गया है। ये 15/3/2024 के डेट में नोटिफिकेशन पब्लिश किया गया है और यहाँ पर आपका नोटिफिकेशन नंबर भी दिया गया है। और ये आपको इंडिकेटिव एडवर्टाइजमेंट फॉर द रिक्वायरमेंट टू द पोस्ट असिस्टेंट ट्रेनिंग ऑफिसर अंडर डायरेक्टर ऑफ टेक्निकल एजुकेशन ट्रेनिंग उड़ीसा कटका से यह 2024 का रिक्वायरमेंट पब्लिश किया गया है। ये आपकी यहाँ पर क्वालिफिकेशन के बारे में भी मेंशन किया गया है, वैकेंसी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन पे स्केल पूरा डिटेल यहाँ पर मेंशन किया गया है। यहाँ पर बता दो कि ये जो आपकी पोस्ट नेम होने वाली है वो ट्रेनिंग असिस्टेंट ट्रेनिंग ऑफिसर की रिक्वायरमेंट निकलती है। बहुत जगह जूनियर इंस्ट्रक्टर के नाम पर भी निकलती है, बहुत जगह अलग अलग रिक्वायरमेंट के नाम से यहाँ पर टीचर की वैकेंसी निकाली जाती है ITI टीचर की। तो अगर आप ITI टीचर बनना चाहते हैं तो आपके लिए यहाँ पर ग्रेट अपॉर्चुनिटी है। यहाँ पर
आप लोग जानते होंगे 50% सीटें रिजर्व रहती हैं एनटीसी या एनएससी होल्डर, यानी आप आईटीआई या अप्रेंटिस किए हैं तो उनके लिए 50% सीटें रिजर्व रहती हैं, और डिग्री डिप्लोमा किए हैं तो उनके लिए भी 50% सीटें रिजर्व रहती हैं। यहाँ पर टोटल 150 पोस्ट पर वैकेंसी निकाली गई है, उसमें से 125 आईटीआई और अप्रेंटिस के लिए है और 125 डिग्री डिप्लोमा के लिए यहाँ पर किया गया है। डिग्री में और डिप्लोमा के लिए यहाँ पर दिया जाता है। और आईटीआई के लिए यहाँ पर बात करें तो एनटीसी एनएससी होल्डर के लिए यहाँ पर बोला गया है एजुकेशनल में कि आपके पास या तो एनटीसी हो या एनएससी हो, आईटीआई पास होना चाहिए, सर्टिफिकेट रिलेटेड टेट पोस्ट में होना चाहिए तो आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद आप डिग्री डिप्लोमा के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपके पास डिग्री डिप्लोमा होना चाहिए, जो डिप्लोमा या बीई बीटेक है, बैचलर ऑफ एजुकेशन, बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग या बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी में अगर आपने कोर्स किया है 4 ईयर का तो आप अप्लाई कर सकते हैं, या AICTE से अप्रूव होना चाहिए यहाँ पर बोला गया है, या इंस्टीट्यूट रिकॉर्डिंग या कंसल बोर्ड या स्टेट बोर्ड या इस तरह से यूनिवर्सिटी या ब्रांच रिलेटेड इंजीनियरिंग में होना चाहिए तो आप अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर आप लोगों को ग्रुप बी की यहाँ पर पोस्ट है और लेवल 9 की पोस्ट है, ये स्टेट गवर्नमेंट ऑफ उड़ीसा का जो पे स्केल है उसके अनुसार यहाँ पर मिलने वाले। सेल 1 ORSP रूल 2017 के अनुसार आपकी भर्ती होने वाली है, तो अगर आप एलिजिबल हैं तो जरूर अप्लाई कीजिएगा। और पहले ही मैं आपको यहाँ पर क्लियर कर दूं, जो ITI होल्डर है यानी NSE होल्डर, उनके लिए 3 ईयर का एक्सपीरियंस रखा गया है, और जो डिग्री डिप्लोमा होते हैं उनके लिए यहाँ पर डिप्लोमा के लिए 2 ईयर और डिग्री के लिए यहाँ पर 1 ईयर का एक्सपीरियंस होता है। तो आप लोग ये इस पोस्ट के लिए आप अगर इतने क्वालिफिकेशन रखते हैं तो जरूर फॉर्म अप्लाई कर लीजिए। फिर भी इसका डिटेल नोटिफिकेशन जैसे आएगा इसके बारे में भी हम डिस्कस करने वाले हैं। यहाँ पर इन्होंने बहुत डिस्क्राइब पर दे दिया है कि आपकी अगर यहाँ पर एक मेंशन किया गया है कि आपकी डिजराइबल क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, जो आप ATO के लिए यानी असिस्टेंट ट्रेनिंग ऑफिसर के लिए अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो आप पास होने चाहिए क्राफ्ट इंस्ट्रक्टर ट्रेनिंग स्कीम, यानी CITS का कोर्स होना चाहिए आपके पास और सर्टिफाइड होना चाहिए वो ट्रेंड इंस्ट्रक्टर अंडर द अग्नेस्ट NCVT न्यू दिल्ली द्वारा, आपकी जो DGT संस्था द्वारा जारी होती है, यानी जिसे हम MSD बोलते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंटरप्रेन्योरशिप द्वारा आपकी जो सर्टिफिकेट मिलती है वो उनके द्वारा प्रमाणित होना चाहिए। और ट्रेड वाइज वैकेंसी का पोजीशन एंड क्वालिफिकेशन यहाँ पर प्रिस्क्राइब किया गया है पोस्ट ATO के लिए, तो NTC NSE होल्डर है उनके लिए यहाँ पर डिटेल दिया गया है, इसको आप लोग देख लीजिएगा। यहाँ पर मेंशन किया गया है, यहाँ पर सीरियल नंबर दिया गया, पोस्ट ट्रेड का नाम दिया गया, क्वालिफिकेशन बताया गया, वैकेंसी का स्ट्रक्चर यहाँ पर बताया गया है। यहाँ पर देखेंगे कोपा के लिए बोला गया है आपके पास NTC या NSE होना चाहिए, कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट ट्रेड में एक पोस्ट की वैकेंसी है, और वोमेन के लिए यहाँ पर कोई रिजर्वेशन नहीं, नील है। और दूसरा ड्रेस मेकिंग के लिए है, NTC या NSE होल्डर यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, ड्रेस मेकिंग ट्रेड में आपके पास ITI या NSE होना चाहिए। यहाँ पर एक वैकेंसी है और एक महिला के लिए भी यहाँ पर एक रिजर्वेशन दिया गया है। इलेक्ट्रीशियन की एक यहाँ पर टोटल 46 पोस्ट है, यहाँ पर NTC NSE होल्डर इलेक्ट्रीशियन ट्रेड में है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। महिला के लिए यहाँ पर 15 सीट यहाँ पर रिजर्वेशन दिया गया है। अगली पोस्ट यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक के लिए यहाँ पर दिया गया है, यहाँ पर भी आपके पास NTC या NSE होना चाहिए इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक ट्रेड में, टोटल वैकेंसी यहाँ पर 3 है। वोमेन कैंडिडेट के लिए 1 पोस्ट रिजर्वेशन में है। इसके बाद फिटर के लिए यहाँ पर NTC या NSE होना चाहिए फिटर ट्रेड में, और टोटल 49 पोस्ट पर है, और वोमेन कैंडिडेट के लिए 17 पोस्ट रिजर्व है। इसके बाद अगली पोस्ट है कम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी सिस्टम मेंटेनेंस के लिए यहाँ पर निकाली गई है, तो यहाँ पर बोला गया है NTC या NSE आपके पास ITI या अप्रेंटिस होना चाहिए इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी एंड सिस्टम मेंटेनेंस ट्रेड में, यहाँ पर टोटल 1 वैकेंसी है और एक महिला के लिए भी रिजर्वेशन किया गया है, तो आप इसको देख सकते हैं। इसके बाद अगला पोस्ट है इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक के लिए, यहाँ पर बोला गया है आपके पास क्वालिफिकेशन नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट या नेशनल अप्रेंटिस सर्टिफिकेट यानी NTC या NSE होना चाहिए इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक ट्रेड में, 1 वैकेंसी है और कोई रिजर्वेशन महिला के लिए नहीं है यहाँ पर। इसके बाद अगली है मशीनिस्ट की पोस्ट है, यहाँ पर NTC या NSE ट्रेड में आपके पास मशीनिस्ट ट्रेड होना चाहिए क्वालिफिकेशन, 1 पोस्ट है और यहाँ पर वोमेन कैंडिडेट के लिए भी 1 रिजर्वेशन है।
इसके बाद अगली है डीजल मैकेनिक की पोस्ट है यहाँ पर। इसके बाद आप डीजल मैकेनिक में आपके पास एनएससी या एनटीसी सर्टिफिकेट होना चाहिए। वन पोस्ट की यहाँ पर भी वैकेंसी है। टोटल वैकेंसी का स्ट्रक्चर यहाँ पर दिखाया गया है इस तरीके से। अगली पोस्ट जो है यहाँ पर मैकेनिक रेफ्रिजरेटर एंड एयर कंडीशन के लिए है। यहाँ पर भी मांगा गया है आपके पास क्वालिफिकेशन एनटीसी या एनएससी मैकेनिक रेफ्रिजरेटर एंड एयर कंडीशन ट्रेड में होना चाहिए। टोटल वैकेंसी 3 है और वोमेन कैंडिडेट के लिए 1 रिजर्वेशन है। और इसके बाद अगली पोस्ट है मैकेनिक व्हीकल मोटर के लिए है, मोटर व्हीकल के लिए। यहाँ पर आपके पास एनटीसी एनएससी मैकेनिक मोटर व्हीकल में होना चाहिए ट्रेड में। और 3 पोस्ट यहाँ पर है और वोमेन कैंडिडेट के लिए कोई रिजर्वेशन नहीं है। अगला पोस्ट है पेंटर जनरल के लिए है। यहाँ पर एनटीसी या एनएससी होना चाहिए पेंटर जनरल ट्रेड में। 1 पोस्ट है और वोमेन कैंडिडेट के लिए कोई रिजर्वेशन नहीं है। इसके बाद प्लम्बर के लिए है, यहाँ पर एनटीसी एनएससी मांगा गया है। और उसके बाद प्लम्बर ट्रेड में यहाँ पर टोटल 2 पोस्ट वैकेंसी है, वोमेन के लिए कोई रिजर्वेशन नहीं है, निल है। इसके बाद यहाँ पर टर्नर के लिए बोला गया है आपके पास, यहाँ पर टर्नर ट्रेड में आपके पास आईटीआई सर्टिफिकेट होना चाहिए या नेशनल अप्रेंटिस सर्टिफिकेट होना चाहिए तो आप अप्लाई कर सकते हैं। 3 पोस्ट है यहाँ पर, वोमेन कैंडिडेट के लिए 1 रिजर्वेशन है। उसके बाद वेल्डर के लिए बोला गया है एनटीसी एनएससी वेल्डर ट्रेड में होना चाहिए। उसके बाद टोटल 5 पोस्ट की वैकेंसी है, यहाँ पर 2 वोमेन कैंडिडेट के लिए रिजर्वेशन है। अगली पोस्ट आप लोग की वायरमैन की है, यहाँ पर एनटीसी एनएससी होना चाहिए वायरमैन ट्रेड में। टोटल वैकेंसी 4 है और यहाँ पर 2 वोमेन कैंडिडेट के लिए रिजर्वेशन है। टोटल वैकेंसी यहाँ पर 125 है एनटीसी एनएससी होल्डर के लिए और 43 पोस्ट यहाँ पर वोमेन कैंडिडेट के लिए रिजर्वेशन दिया गया है। इसके बाद यहाँ पर बोला गया है वैकेंसी का रिजर्वेशन स्पेशल कैरेक्टर के लिए यहाँ पर बोला गया है। पीडब्ल्यूडी के लिए यहाँ पर बोला गया है कि 5 पोस्ट रिजर्वेशन है और यहाँ पर वोमेन के लिए 1 पोस्ट रिजर्वेशन पीडब्ल्यूडी में भी है। एक्स सर्विसमैन के लिए यहाँ पर 4 पोस्ट का रिजर्वेशन है और स्पोर्ट के लिए 1 पोस्ट की यहाँ पर रिजर्वेशन दिया गया है। अगला यहाँ ट्रेड वाइज वैकेंसी का पोजीशन क्वालिफिकेशन प्रिस्क्राइब फॉर ATO डिग्री डिप्लोमा होल्डर के लिए यहाँ पर मेंशन किया गया है। यहाँ पर डिग्री डिप्लोमा के लिए भी 125 पोस्ट की वैकेंसी है। यहाँ पर क्वालिफिकेशन के बारे में बताया गया है, अगर आप कोपा ट्रेड में अप्लाई करते हैं डिग्री डिप्लोमा होल्डर है तो आपके पास पोस्ट ग्रेजुएट या कंप्यूटर साइंस या कंप्यूटर एप्लीकेशन में UGC से रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट या बैचलर अथवा बैचलर ऑफ कंप्यूटर साइंस या बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन में आपके या IT फ्रॉम AICT से अप्रूव होना चाहिए रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट से और 3-year डिप्लोमा होना चाहिए। कंप्यूटर साइंस या IT फ्रॉम AICT से अप्रूव होना चाहिए तो आप अप्लाई कर सकते हैं। टोटल 1 पोस्ट की यहाँ पर वैकेंसी निकाली गई है। इसके बाद अगली देखेंगे तो यहाँ पर ड्राफ्टमैन मैकेनिकल के लिए है। यहाँ पर आपको मैकेनिकल इंजीनियरिंग में आपका डिग्री डिप्लोमा होना चाहिए तो आप अप्लाई कर सकते हैं। 1 पोस्ट की यहाँ पर वैकेंसी है महिला के लिए। दोनों पोस्ट के लिए यहाँ पर भी रिजर्वेशन नहीं था, यहाँ पर भी कोई रिजर्वेशन नहीं। अगली पोस्ट यहाँ पर इलेक्ट्रीशियन के लिए है। यहाँ पर भी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग या मैकेनिकल या इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में आपके पास डिग्री डिप्लोमा होना चाहिए। 4 पोस्ट है, 1 वोमेन कैंडिडेट के लिए रिजर्वेशन है। इसके बाद अगली यहाँ पर पोस्ट है आपकी इंजीनियरिंग ड्राइंग के लिए है। यहाँ पर बोला गया है एनी ब्रांच में आप इंजीनियरिंग ब्रांच में आपका क्वालिफिकेशन होना चाहिए जो डिस्क्राइब लाइन यहाँ पर दी गई है। इसके बाद टोटल वैकेंसी यहाँ पर 45 है, 15 वोमेन कैंडिडेट के लिए यहाँ पर रिजर्वेशन दिया गया है। अगली पोस्ट इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक के लिए है। यहाँ पर आपको बोला गया है इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग या इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग या इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग या इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग में आपके पास डिग्री डिप्लोमा होना चाहिए। 2 पोस्ट की यहाँ पर वैकेंसी है, वोमेन कैंडिडेट के लिए कोई रिजर्वेशन नहीं है। इसके बाद ICTSM यानी कम्युनिकेशन इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी सिस्टम मेंटेनेंस के लिए यहाँ पर है। आपके पास कंप्यूटर इंजीनियरिंग कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में आपके पास डिग्री डिप्लोमा होना चाहिए। 1 पोस्ट की यहाँ पर वैकेंसी है, वोमेन कैंडिडेट के लिए कोई रिजर्वेशन नहीं है। अगली पोस्ट यहाँ पर है इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक के लिए है। यहाँ पर भी आपके पास इंस्ट्रूमेंटेशन में या इंजीनियरिंग या इंस्ट्रूमेंटेशन कंट्रोलर इंजीनियरिंग में आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए डिग्री डिप्लोमा का तो आप अप्लाई कर सकते हैं। 1 पोस्ट है, 1 महिला कैंडिडेट के लिए भी रिजर्वेशन है। अगली यहाँ पर मशीनिस्ट के लिए है। यहाँ पर मैकेनिकल इंजीनियरिंग में आपके पास
डिग्री डिप्लोमा होना चाहिए। टोटल वैकेंसी 5 की है। यहाँ पर 2 ओमेन कैंडिडेट के लिए रिजर्वेशन दिया गया है। अगला यहाँ पर पोस्ट है डीजल मैकेनिक। यहाँ पर आपके पास डीजल इंजीनियर, ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग या मैकेनिक इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग विथ स्पेशलाइज्ड इन ऑटोमोबाइल में है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। 1 पोस्ट यहाँ पर दिया गया है। डिग्री डिप्लोमा आपके पास स्टेट ब्रांच में होना चाहिए। अगली पोस्ट आप लोग का यहाँ पर मैकेनिक मैकेनिज का है। यहाँ पर मैकेनिक मैकेनिज का पोस्ट है और यहाँ पर आपकी पोस्ट का यहाँ पर आप लोग का मांगा गया है कि आपके पास मैकेनिकल इंजीनियरिंग या मैकोट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में आपके पास डिग्री डिप्लोमा होना चाहिए। तो 1 पोस्ट के लिए आप यहाँ पर वैकेंसी है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। मैकेनिक मैकोट्रॉनिक्स पोस्ट में आपके पास होना चाहिए सर्टिफिकेट, तभी आप अप्लाई कर सकते हैं, या तो आपके पास मैकेनिकल इंजीनियरिंग में होना चाहिए। अगली पोस्ट यहाँ पर है मैकेनिक रेफ्रिजरेटर एंड एयर कंडीशन में, तो आपके पास मैकेनिकल इंजीनियरिंग में डिग्री डिप्लोमा है तो अप्लाई कर सकते हैं। 3 पोस्ट है। यहाँ पर ओमेन कैंडिडेट के लिए कोई रिजर्वेशन नहीं है। उसके बाद अगला है आपके पास मैकेनिक मशीन टूल्स मेंटेनेंस के लिए है। यहाँ पर मैकेनिकल इंजीनियरिंग में आपके पास डिग्री डिप्लोमा है, 1 पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर ओमेन कैंडिडेट के लिए 1 पोस्ट की रिजर्वेशन है। अगला पोस्ट है मैकेनिक मोटर व्हीकल। आपके पास ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग में डिग्री डिप्लोमा है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर आप लोग के लिए 3 पोस्ट की वैकेंसी है। 1 पोस्ट की आपकी ओमेन कैंडिडेट के लिए यहाँ पर रिजर्वेशन दिया गया है। प्लम्बर के लिए पोस्ट है। यहाँ पर सिविल इंजीनियरिंग में आपने डिग्री डिप्लोमा किया है तो आप अप्लाई कर सकते हो। 1 पोस्ट की है और 1 पोस्ट महिला कैंडिडेट के लिए भी रिजर्वेशन यहाँ पर दिया गया। आगे यहाँ पर जो पोस्ट है वो आप लोग का टेक्सटाइल के लिए यहाँ पर दिया गया, टेक्सटाइल वेट प्रोसेसिंग में। यहाँ पर डिग्री आपके पास बीटेक होना चाहिए टेक्सटाइल टेक्नोलॉजी में, या बीटेक होना चाहिए टेक्सटाइल केमिस्ट्री में, या डिप्लोमा होना चाहिए इन टेक्सटाइल टेक्नोलॉजी, या डिप्लोमा होना चाहिए टेक्सटाइल प्रोसेसिंग में। 1 पोस्ट की वैकेंसी है तो आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। वोमेन के लिए कोई रिजर्वेशन नहीं है। अगली पोस्ट है टर्नर के लिए। यहाँ पर मैकेनिकल इंजीनियरिंग या प्रोडक्शन इंजीनियरिंग में है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। टोटल 4 पोस्ट की यहाँ पर वैकेंसी है। वोमेन कैंडिडेट के लिए कोई भी रिजर्वेशन नहीं है। अगला पोस्ट है आपका वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस का। यहाँ पर एनी इंजीनियरिंग डिस्क्राइब में आपके पास, एनी ब्रांच में आपके पास डिग्री डिप्लोमा होना चाहिए। टोटल 42 पोस्ट है। यहाँ पर 14 वोमेन कैंडिडेट के लिए रिजर्वेशन है। अगली पोस्ट है आपकी बिल्डर के लिए। यहाँ पर आपके पास मैकेनिकल इंजीनियरिंग या प्रोडक्शन इंजीनियरिंग में आपके पास डिग्री डिप्लोमा होना चाहिए, आप अप्लाई कर सकते हैं। टोटल 4 पोस्ट की वैकेंसी है। यहाँ पर वोमेन कैंडिडेट के लिए कोई रिजर्वेशन नहीं है। अगली पोस्ट है वायरमैन की। यहाँ पर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग या इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में आपके पास डिग्री डिप्लोमा है तो अप्लाई कर सकते हैं। टोटल 4 पोस्ट की वैकेंसी है। यहाँ पर 2 पोस्ट रिजर्वेशन है वोमेन कैंडिडेट के लिए। यहाँ पर टोटल वैकेंसी की बात करें तो 125 पोस्ट पर है और यहाँ पर 39 पोस्ट आपकी वोमेन कैंडिडेट के लिए रिजर्वेशन किया गया है। आगे इन्होंने बोला है आपकी जो पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट है उनके लिए 5 पोस्ट का रिजर्वेशन है और वोमेन कैंडिडेट के लिए पीडब्ल्यूडी में 1 रिजर्वेशन है। एक्स सर्विसमैन के लिए 4 और स्पोर्ट पर्सन के लिए 2 है। आगे इन्होंने बोला है कि आपकी एज जो होनी चाहिए वो 21 ईयर से 38 ईयर के बीच होनी चाहिए सभी कैंडिडेट का जो जनरल में आते हैं। तो और यहाँ पर 1/1/2024 के एज रिलैक्सेशन की गणना की जाएगी जिसमें एससी एसटी या एसईबीसी या ओमेन या पीडब्ल्यूडी एक्स सर्विसमैन को यहाँ पर प्रिवेलिंग रूल के हिसाब से इनको छूट दिया जाएगा। उसके बाद आगे बोला है कि यहाँ पर जो पार्ट टाइम गेस्ट इंस्ट्रक्टर के रूप में अगर आईटीआई में पढ़ा रहे हैं उनको भी यहाँ पर 1/1/2024 के अनुसार एज में रिलैक्सेशन दिया जाएगा 10 ईयर का यहाँ पर बोला गया है। उसके बाद आप लोग देखेंगे तो यहाँ पर डिटेल वाइज सभी, अगर आपको किसी भी प्रकार की को जैसे आप किसी भी प्रकार की इंफॉर्मेशन चाहते हैं तो आपको जो इनका डिटेल नोटिफिकेशन आने वाले है वो उसको देखना पड़ेगा। जैसे आप पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट के लिए या सिलेबस के लिए या पार्टन एग्जामिनेशन या अदर वेटेज के लिए या सीआईटीएस इत्यादि के लिए अगर आपको कोई भी इंफॉर्मेशन है तो जैसे ही डिटेल नोटिफिकेशन आएगी तो आप लोग को वहाँ पर मिल जाएगी। फिर भी अगर आपको कोई भी डाउट हो तो बेचक कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिएगा, टोटली आपकी हेल्प एंड रिप्लाई की जाएगी। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हूँ, वहाँ से आप टेलीग्राम व व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ सकते हैं। वहाँ पर बहुत सारे कैंडिडेट हैं और जो आपस में डिस्कस करते रहते हैं, आप लोग को वहाँ पर भी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। वहाँ पर भी पीडीएफ शेयर कर दूंगा एडवर्टाइजमेंट का। फिर भी
कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर दीजिएगा, वहां पर भी आपको रिप्लाई मिल जाएगी। धन्यवाद, कीप एंड टच।